अपने भी आपके अकाउंट पर अटल पेंशन योजना बिना किसी इंफॉर्मेशन के बैंक की तरफ से आपके अकाउंट पर लगा दे दीजिए और आपके अकाउंट से प्रति माह 59 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपके अकाउंट से कट जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस योजना को किस प्रकार से ऑनलाइन अपने घर बैठे एक फॉर्म भरकर आप इस योजना को बंद कर सकते हैं, आज की वीडियो में बस आपको ये बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है अटल पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट NSDL APY। दोस्तों, आपको इस वीडियो जो वेबसाइट है इसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रिलेटेड का जो ऑप्शन है इसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे दिया है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आपको क्या करना है, इसमें से इनकरेक्ट कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्टेड, कंट्रीब्यूशन नॉट रिफ्लेक्टेड एंड डिले फॉर क्रेडिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो और उसके नीचे मिलता है अदर, तो आपको अदर्स वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में। ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जो भी आपका अकाउंट नंबर है, जो भी आपके खाते में जो भी योजना लगा दी है उसका दोस्तों आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर
डाल देना है जो भी आपके अकाउंट में हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपनी डिटेल्स है वो फिल करनी है। उसके साथ साथ दोस्तों आपके जिस अकाउंट में आपकी पेंशन लगा थी कि उस अकाउंट की ब्रांच कहाँ है, कौन सी बैंक है, ये सारी डिटेल आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिख देना आई वॉन्ट टू क्लोज माई APY अकाउंट। दोस्तों इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स में फिल कर देनी है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको नीचे मिलता है ग्रेवेज लीजेट प्रोविजली क्लिक टू अपलोड अटैचमेंट सेलेक्ट फाइल टू अपलोड सेलेक्ट फाइल टू अपलोड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है क्या आप दोस्तों प्रोविजनली इसे ग्रीवेंस को देना चाहते हैं या फिर दोस्तों इसके साथ कोई फाइल अटैचमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों जो भी अकाउंट से आपके पैसा कट रहा है उसका दोस्तों आपको एक स्क्रीनशॉट या फिर उसकी जो PDF स्टेटमेंट आता है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो दोस्तों आपको इस सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। चूज फाइल पर ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका स्टेटमेंट है बैंक का जिसमें आपका पैसा कट रहा है, जो भी पैसा कटा है APY के थ्रू, उसका स्टेटमेंट आपको लगा देना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट जो भी हो वो आपको यहाँ से लगा देना है। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड हो जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिस्ट में मिल जाता है। उसके बाद नीचे आपको आना है, नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है बैंक नेम। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक इस तरीके से प्लस का निशान मिलेगा। प्लस के निशान में दोस्तों जैसे कि आपको जिस भी बैंक में आपका खाता है और जिस बैंक में आपकी अटल पेंशन योजना को लगा दिया गया है वो बैंक आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर बहुत सारी बैंक दी गई हैं, आपको जो अपनी बैंक है वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ से दोस्तों अपनी जो बैंक है वो यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। आपको वन बाई वन यहाँ पर अपनी जो बैंक है चूज़ कर लेनी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे मेरी बैंक है तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे दिया है ब्रांच APY NPS लाइट। तो दोस्तों आपको यहाँ कर क्या करना है, इस पर प्ले वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ही कुछ इस तरीके से ब्रांच आएगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सारी डिटेल को आपने फिल कर लिया है। अब फिल करने के बाद आपको एक बार से अपनी यहाँ पर जो सारी डिटेल फिल की है वो आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद दोस्तों आपको करना है, ये जो कैप्चा दिया है इस कैप्चा को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको इस कैप्चा को फिल कर देना है। और फिल करने के बाद दोस्तों आपको जो नीचे दिया गया है सबमिट वाला बटन, आपको इस सबमिट वाले बटन पर ही क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही आपके से जो एक एक्नॉलेज नंबर होता है वो आपको यहाँ पर जनरेट हो जाता है और उसे दोस्तों आपको कॉपी करके या फिर नोट करके रख लेना है। अब दोस्तों ये जो आपकी फाइल है अपलोड हो जाती है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, वो फॉर्म भी सबमिट हो जाता है, तब दोस्तों आपको उधर से आपका जो स्टेटस है उसमें आपको जो भी डिटेल्स है वो आपको चेक कर लेनी है। ये जो डिटेल्स है दोस्तों आपकी एक से बंद से यानी कि एक से या दो वीक के अंदर यानी 14 से 15 दिन के अंदर दोस्तों आपकी जो स्टेटस है उसमें आपको शो हो जाएगी। स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों आपको बैक आना होगा और बैक आने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से APY सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपको वही पेज यहाँ पर खुलेगा, खुलने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है चेक द स्टेटस ग्रीवेंस इंक्वायरी, इस पर क्लिक करना है। टोकन नंबर और PRN नंबर दोनों से आप चेक सकते हैं, जो भी आपका टोकन नंबर जनरेट हुआ उससे भी चेक कर सकते हैं अपने स्टेटस को और PRN नंबर से भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना स्टेटस दिख जाएगा कि आपकी पेंशन बंद हुई है या फिर नहीं हुई है। दोस्तों आपकी पेंशन जो है 14 से 15 दिन के अंदर भी बंद हो जाएगी और दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो भी दोस्तों आपका पूरा आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको अपना जो स्टेटस है यहीं से चेक करते रहना है और चेक करने के बाद दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है यहीं से सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। आप इसी प्रकार से अपने फॉर्म को भरेंगे और फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।